तुम किस कमाश के इंसान? मैं अभी कितनी देर हुई इंटरव्यू शुरू हुए? पाँच छह मिनट हो गए, 15-20 मिनट अंदर तुम्हें पता चल जाएगा मैं कुछ कमाश का आदमी हूँ। मैं हूँ डिफिकल्ट आदमी, बहुत डिफिकल्ट आदमी हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पूछ किससे बनाए? पूछ किससे बनाई? अब मैं बहुत आखिरी मतलब ये तुम कर नहीं सकते, इससे कि मैं मेहमान हूँ और मैं अपनी पूरी फैमिली में खानदान में मशहूर हूँ कि ये इंतहा दर्जे का बदतमीज आदमी है। तो ये तो खैर तुम भूल जाओ कि तुम उससे कोई बदतमीजी कहोगे। नहीं नहीं, मैं तो आप मेहमान हैं, मेजबान को यह हक नहीं पहुंच। लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात पे, इस बात पे खुश होना चाहिए। जब आपने बुलाया मुझे तो भुगतो भाई, आपने तो मुझे प्रोग्राम में बुलाया तो भुगतो। और तुम्हें तो इस बात पे खुश, हाथ ना जोड़ हाथ ना जोड़, देखो इस बात पे तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने क्या कॉम्बिनेशन पैदा किया है। फर्स्ट टाइम रक्स और क्रिकेट को मैंने मिक्स किया है। मैं जान टॉपिक को इंटरेस्टिंग भी तो बनाना पड़ता है ना, लेकिन तुम ये नहीं बता रहे हो। तुमने बात पी के हो, तुम अंदर की पूछ किसने बनाई? मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं भी आपके प्रोग्राम में ही आया हूँ जी। और कहाँ हूँ? और आप? मैं कहाँ गया हूँ? मैं जापान तो नहीं गया। मैं नहीं, नहीं आप आए। क्या क्यों बात कर रहे हैं आप? नहीं आपने प्रोग्राम में बुलाया, मैं आ गया। अब मैं जापान में तो नहीं बैठा हूँ। नहीं नहीं भाई, आप मेरी बात समझे कि हर प्रोग्राम का एक तरीका होता है। हाँ होता है, एक तहजीब होती है। तहजीब, अब इस तहजीब में ये भी आता है कि मेहमान जो सवाल करे तो उसका जवाब देना चाहिए कि पूछ किसे बनाई। फिर आप पूछ किसे बनाई? ये आपने क्या कहा अभी? किसे आपने क्या कहा अभी? हिम्मत है तो पकड़ के बताओ क्या कहा मैंने। अगर तुम्हें हिम्मत है बताओ हमको मैंने क्या कहा। लो फिर से सुनो, पूछ किसे बनाई? प्लीज नहीं, देखिए मैं कुछ नहीं पकड़ ही नहीं सकते, मैं इतना फास्ट बोला है मैंने। मेरे भाई आप लाहौर का टेस्ट देखने कराची से गए। तुम मुझे क्या समझो? क्या समझो तुम मुझे? क्या समझो मुझे? आप देखने नहीं गए? वो कहाँ गया था? मैं देखने नहीं गया था, वो कहाँ गया था? देखने गया था मैं स्टेडियम भी, देखने गया था स्टेडियम भी गया था, वहाँ भी गया था। कहाँ गया था? स्टेडियम में भी गया था, वहाँ भी गया था। किधर गया था? वहाँ वहाँ भी गया था मैं। समझ में आई बात जी? जैसी धुन पड़ती है वैसी धुन पड़ती है मैच कैंसिल। मुझे एक वही चीज़ है, डांस है वही चीज़ है जो कैंसिल नहीं होता। अभी पिछले एक हफ्ते पहले एक दोस्त है, उनके घर की छत के ऊपर हो रहा था डांस, धुन बहुत थी लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। हुआ और डांसर के सिर्फ घुंघरू नजर आया था, आवाज आई थी, शक्ल नजर नहीं आती। हुआ इन सब बातों के बावजूद मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि बड़ा जवाब दे दिया तुमने, तुमने जवाब नहीं दिया कि ये मुझे समझ आई। मैंने आपसे कहा है मैं अभी मालूम करता हूँ। करो करो करो, पता है आपको बुलाकर मुझे तकलीफ हुई। मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई तुम्हारे प्रोग्राम में के बातें करो ढंग की और बता भी नहीं हो कि पूछ किसे बनाई। बताओ कोई शाफत होती है, कोई तरीका होता है? 6,000-10,000 रन बना दिए। 10,000 रन? 10,000 रन हो गया, अगर 5 दिन खेलता रहता 10,000 रन होता है। पाकिस्तान ने 688 बनाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान कितने बनाए? 400 पे 1 था जी। और आउट हुआ सयाग, सयाग आउट हुआ, आउट हुआ उसकी शाफत है, उसने मेहमान वाली को सबूत दिया फांसे आके खुद आउट हुआ। जहां मैं गांव सुनने जाता हूँ ना, वो मैच के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, बहुत जानती है। मैंने कहा कि सर मुझे इस मैच के बारे में बताओ, इस मैच पे तबसा को तो सिली मिडॉन के ऊपर आ गई और सिली मिडॉन के ऊपर आके उसने 3,000 कैच किए और उसके बाद मुझसे कहने लगी कि जानम ये जो ये पूछ है ना पूछ, इसके ऊपर बोर्ड में से किसी आदमी ने जो है सोना यूरिया खाद डलवा दिए। क्या कर दिया? सोना यूरिया खाद डलवा दिए कि जितने चाहो रन उगाओ उगाओ। सब बातें मैं समाप्त करता हूँ, दोबारा आता हूँ। ये तुमने बताओ ये पूछ कैसे बनाइए? पता नहीं वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहे। एक बार मैं बता दूं कि पूरा डिस्कशन होगा क्रिकेट के ऊपर। कहूंगा मैं क्रिकेट के ऊपर
और जवाब मुझे चाहिए होगा कि ये पूछ किसने बनाई? पूछ 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 किसने बनाई?